नमस्कार, मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रीना एंड फैमिली ब्लॉग्स में। और 21 के काम देखो, नहीं आप पीछे को लेट रहा है। तो आज की जो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो थोड़ा लेट हो रही है। तो अभी हो रहे हैं शाम के 3 और सुबह तो मैंने वही नॉर्मल जो काम किया वही था और थोड़ा कपड़े वगैरह भी धुलने को थे, तो शूट वगैरह तो मैंने कुछ किया नहीं। तो आज तो दुदू के पापा की भी छुट्टी थी क्योंकि आज संडे था, तो वो थोड़ा गांव गए हैं, अभी शायद शाम तक आ जाएंगे। तो अब मैंने कुछ वॉशिंग मशीन में भी लगाए हुए थे कपड़े, तो मैं उनको छत में डाल दूंगी। और आज तो मुझे एक और काम करना है। हाँ मम्मा, दीपावली के दिन की जो लड़ियाँ लगाई हुई थी वो मुझे उतारनी है। तो पहले मैं अभी कपड़े सुखाने को डाल दूंगी, फिर थोड़ा जब धूप कम हो जाएगी तब मैं वो लड़ियाँ भी निकाल लूँगी। तो चलो मैं अभी पहले धुले हुए कपड़े छत में डाल देती हूँ और जो सुबह धुले हुए थे उनको लेके आ जाऊँगी। और उसके बाद चाय बना के थोड़ा जब धूप कम हो जाएगी तब लड़ी भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे सिद्धू के उल्टे काम देखो, क्यों करता है बेटा तू ऐसे काम? इस साइकिल में खेल रहा था। इधर आ, मम्मा के पास आ, मम्मा ठीक करेगी। इधर आ, यहाँ देखो इसके उल्टे काम देखो। ये माँ बिल्कुल साइकिल में चढ़ के हीरो बन रहा और यहाँ स्वेटर फंसा दी, फिर रो रहा है मेरे पास आके। थैंक यू बोलो मम्मा को। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े छत में डालने और ये रिदू रोज के जैसा अपने घोड़े के साथ घोड़ा निकाल दिया, अब इसके साथ खेल रहे हैं। हाँ हाँ, तो चलो मैं डाल देती हूँ कपड़े अभी। दीदी वो पानी खत्म हो गया ना, मैंने वो खोला है अभी। हाँ कोई बात नहीं, अरे मैं ऊपर थी, तुमने शायद कॉल किया ना मुझे। हाँ। पानी बिल्कुल चला। तो अभी मैं कपड़े भी डाल के आ गई छत पे और धूप बहुत ज्यादा थी। पहले मैं सोच रही थी मैं लड़िया भी निकाल दूँ पर धूप ज्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा जब धूप कम हो जाएगी तब निकालूंगी। और आज मैंने रितु का भी नया हेयर स्टाइल बनाया है। रितु देखा इसके यहाँ से वो करके यहाँ पीछे से चोटी बना दी ऐसे करके, और ये पता नहीं क्या कर रहा है। अब पहले मैं एक बार चाय बना देती हूँ और रितु के पापा को फोन करके भी पूछती कि वो निकल गए कहाँ पहुँचे। तो उसके बाद चला धूप कम हो जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा से छत में जाके और लड़ियाँ निकाल लूंगी। पापा अभी आएंगे तेरे पापा। तो अभी मैं और रिद्धू आ गए हैं छत पे लड़ी निकालने। अब वैसे तो अंधेरा भी होने वाला है, निकालने लड़ी। हाँ जी बोलो। तो चलो मैंने लड़ियाँ निकाल देती हूँ जल्दी से, फिर थोड़ी देर में शायद रिद्धू के पापा भी आ जाएंगे। तो अभी मैंने लड़ियाँ भी निकाल दिए और अंधेरा भी हो ही गया है और ये मेरे बगल में बैठ रखा है। तो अब चलती हूँ नीचे और रितु के पापा भी पहुँचने ही वाले होंगे थोड़ी देर में, और करती हूँ रात के खाने की तैयारी। हाँ जी मम्मा, हाँ जी मम्मा। कौन सा मम्मा? चंदा मम्मा। चंदा मामा को क्या बोल रहा तू? कहाँ है मम्मा? ये लाइट चली गई। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, लाइट तो लाइट भी चली गई है, अब नीचे ही चलते हैं, है ना मामा? तो अभी रितु के पापा भी आ गए हैं घर से
अरे दुदु, रितु के पापा मोमोज लाए थे, तो मोमोज खा रहा है। डोई वाला से 100 रुपए का है। तो डोई वाला से वहीं के मोमो लाते, नॉनवेज है ना? हां नॉनवेज मोमो। यहां पे रितु देख रहा है टीवी। वैसे अब हमारा बन रहा है रात का खाना। रात का खाना बना रहे हैं रितु के पापा। आज रितु के पापा कुछ स्पेशल डिश बना रहे हैं। और ये 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 आज छोटी वाली बच्ची ये भी रो रही है। पानी चाहिए? पापा को बोलो पापा पानी दे दो। पापा तो मैं आपको थोड़ी देर में बनाऊंगी बताऊंगी कि रिद्धु के पापा कौन से। हाँ मैं पानी लेके आ रही हूँ, यहाँ पे बैठ दो। कि रिद्धु के पापा आज कौन से स्पेशल डिश बना रहे हैं। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे रात का खाना, और आज रिद्धु के पापा ने कुछ हल्का फुल्का ही बनाते हैं, तो बनाए भी उन्होंने। तो अभी रिद्धु के पापा ने बना रखा है पोहा, तो हम ये खाते हैं, उसके बाद देखूंगी मैं बर्तन धोऊंगी। तो पहले हम लोग खा लेते हैं ये पोहा। अरे रिद्धु भी खा रहा है मेरे साथ। क्या खा रहा? हेलो गाइस। हेलो गाइस की। तो चलो हम लोग खा लेते हैं खाना, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी हम लोग का रात का खाना भी हो गया है, और रिद्धु थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था तो उसको नींद आ रही थी, तो मैंने उसको सुला दिया है। रिद्धु के पापा अंदर टीवी देख रहे हैं, मैं भी सोने ही जा रही थी, पर तब तक मुझे याद आया कि रिद्धु के पापा घर से सब्जी लेके आए थे और मैंने वो खोली नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह कि आज रितु के पापा घर जा रहे हैं, सॉरी सुबह नहीं, जब मैंने शाम दिन से ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने आपको तब बताया था रितु के पापा गांव जा रहे हैं। तो अभी शाम को जब वो आए तो घर से सब्जियां और शायद दाल भी लेके आए हैं, तो मैं आपको भी बताती हूँ कि वो क्या क्या लेके आए हैं घर से, रितु की दादी जी ने क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दी तो ये हरी सब्जी थी, तो इसको हम खोल के रख देंगे ताकि ये मैं इसकी सुबह सब्जी बनाऊंगी ये ख़राब ना हो, क्योंकि पन्नी में डेली तो और ख़राब हो जाएगी। तो मैं ये इसी में ख़राब रख दूँगी। और इसमें लहसुन है, ये तो शायद रखा है, इसमें लहसुन दे रखा है, ये घर के कड़वे करेले होते हैं जो उन्होंने लगाया था पेड़, मैंने देखा था, तो ये कड़वे करेले हैं। और प्याज, ये घर का प्याज है, और इसमें गौत बोलते हैं, गैस की दाल है, ये पाखड़ी घर की, और इसमें घर के मीठे करेले कंकुड़े बोलते हैं इसे, और इसमें थोड़ा सा तोड़ की दाल। रितु के पापा घर से लेके आए थे तो मैंने उसमें से हरी सब्जी तो मैंने फैला के रख दी है, और लहसुन प्याज तो संभाल दिया, दालें सब चीज़ें फ्रिज पर रख दी है। तो अब मैं भी आराम करती हूँ और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलूँगी कल के नए व्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।